एक ज़माने में WWE की जंगली और गैर मुतवक्का दुनिया में एक किरदार था जिसे ब्रे वायट कहा जाता था। बरे आपका आम पहलवान नहीं था, वो नफसियाती दिमागी खेल और कहानी सुनाने का माहिर था। अपनी मनफरद शख्सियत से मद्दाहों को मुंह लेता था। बरी वाइट की कहानी दलदल के दिल में शुरू हुई, एक प्रासरार और खौफनाक जगह। वो अपने वफादार पैरोकारों लीवक हार्पर और एरक रवन पर मुश्तमिल दी वाइट फीमली नामी धड़े के रहनमा के तौर पर अभरे। एक साथ उन्होंने उस तारीकी के बारे में मुनादी की जो हम सब में बसी हुई थी। बरे के प्रोमोज फन का एक काम थे जो एक खौफनाक करिश्मे के साथ पेश किए गए जिसने मदाहों की रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया। उसने फायरफ्लाई फन हाउस के बारे में बात की, एक ऐसी जगह जहां उसकी गहरी अना दी फेंड रहती थी। फायरफ्लाई फन हाउस एक कठपतली से भरी हुई गैर हकीकी दुनिया थी जो सतह पर बेगनाह लगती थी, लेकिन उसने एक गहरे मजमूम मानी को छिपा रखा था। जैसे जैसे बरी वाइट का कीरियर तैयार हुआ, उसने बहुत से शख्सियात को अपना लिया जिनमें से हर एक आखिरी से ज्यादा प्रासरार था। दी फैंड अपने खौफनाक मासिक और परेशान किन रवैये के साथ WWE की तारीख के सबसे मशहूर किरदारों में से एक बन गया। वो तारीकी और अफरातफरी का मुजस्मा था और शायकीन उसके मीचर्स और सेगमेंट्स को काफी नहीं हासिल कर सकते थे। बरे की सबसे यादगार दुश्मनी लीजेंडरी रीसलर जॉन सीना के साथ थी। उनकी कहानी की वजह से रीसल मेनिया में एक मुनफरद सिनेमा मीच हुआ जहां बरी ने सीना के माजी और खौफ के साथ खुलवाड़ किया। ये एक गैर हकीकी जंग थी जिसने हकीकत और फंतासी के दरमियान लाइनों को धंधला कर दिया था। बरे की कहानी सुनाने का दायरा इसके अंदरूनी काम तक फैला हुआ है। इसने अपने किरदार के इसरार को बढ़ाने के लिए अख्तिराई और सिनेमा मीचों का इस्तेमाल किया। द स्वाम्प फीगहिट और फायरफ्लाई इन्फेर्नो जैसे मीचेस बरे की तख्लीकी सलाहियतों और इसके हुनर से वाबस्तगी को जाहिर करते हुए फौरी कलासक बन गए। लेकिन ये सिर्फ इसकी अंगूठी की काबिलियत ही नहीं थी जिसने बरी वाइट को खास बना दिया, ये उनका सामाइन से तलिक था। शायकीन जज्बाती तौर पर इसके किरदार के सफ़र में करिश्माती फ़रके के रहनमा से लेकर बदला लेने के मतलाशी फेंड तक जज्बाती हो गए। किसी भी अजीम कहानी की तरह वहाँ भी उतार चढ़ाव थे। ब्रेवेट को नाकामियों और नुकसानात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हमेशा अपने आप को दोबारा ईजाद करने और मजबूती से वापस आने में कामयाब रहा। उनकी लचक और अपने किरदार से वाबस्तगी ने उन्हें मदाहों के लिए और भी पसंद किया। आखिर में WWE में ब्रे वायट की कहानी जज्बात की एक रोलर कॉस्टर सवारी थी, इंसानी नफसियात के अंधेरे में सफ़र। वो एक माहिर कहानीकार, करिश्माती अदाकार और एक हकीकी मामा था। WWE और रेसलिंग की दुनिया पर उसका असर नाकाबिल तरदीद था, जिसने एक इनमट निशान छोड़ा जो आने वाली नस्लों के लिए याद रखा जाएगा। और यूं WWE में नफसियाती कहानी सुनाने के माहिर ब्रे वायट की कहानी ने मदाहों को मशहूर और प्रसरार बनाने का सिलसिला जारी रखा, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आखिरी घंटी बजने के बाद भी इसकी मीरास तवील अरसे तक जिंदा रहेगी।